किसान भाइयों, आपने तो जरूर बैंगन लगाया होगा और बैंगन देखा भी होगा। बैंगन का अभी लगाइएगा तो कम से कम 40 से 50 रुपये केजी के हिसाब से आपका बैंगन आराम से बिक जाएगा। और ये ड्रिप सिंचाई के द्वारा लगाइएगा तो और ज़्यादा आपका फायदा होगा, क्योंकि बैंगन आज तक ज़्यादातर बारहमासी ही आने लगा है। मतलब एक तरह से आप लगाइएगा उसका 120 क्या 1 साल तक चलता है। मेरे पास एक बीएनआर का वेराइटी का था, वो अभी 1 साल से फूल फल दे रहा है। इससे ही हम कहें जो बैगन आपको आराम से चल जाता है, और सभी जगह का तापमान तो 21 से 30 डिग्री रहता है इसके लिए उपयोगी, और 20 डिग्री सेल्सियस बहुत अच्छा इसके लिए रहता है। और 20 से कम हो जाता है तो थोड़ा इसमें असर पड़ जाता है और रिकवरी नहीं कर पाता है, मतलब उतना फलता नहीं है, थोड़ा कम फलने लगता है तो लोग काट देते हैं, इसीलिए ठंड में लोग नहीं लगाते हैं। ऐसे तो हर एक महीना लोग लगाते हैं, लेकिन अभी आप अगर आप लगाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगा और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा बनेगा और तैयार भी होगा और खूब अच्छा उत्पादन भी देगा। और 60 से 100 दिन तक आपको एकदम रोपाई के वो 60 के बाद दिन में आपको फल देना स्टार्ट कर देगा। हर एक वेराइटी का यही है, या बीएनआर का लीजिए, सिंजेंटा का लीजिए, नामधारी का लीजिए, या बासफ कंपनी का लीजिए, या आपको ईस्ट वेस्ट कंपनी का है, और भी बहुत सारा कंपनी है, कोई कंपनी आप ले लीजिए, उसका बीज लीजिए। और ये बीज 100% मतलब हाइब्रिड अगर हो तो उगेगा ही उगेगा, ये एकदम लिखा हुआ है। और 8 से 17 दिन में बैंगन का बीज उग जाता है अंकुरण के बाद, और जिन क्षेत्र में पाला पड़ जाता है वहाँ थोड़ा कम उगता है। तो अभी तो कोई जगह ऐसा हो नहीं सकता है जो पाला पड़ेगा, और गर्मी इतना है जो आराम से आप अप्रैल मई में आराम से लगा लीजिए और आराम से आपको ये फायदा हो जाएगा। और ये अभी से लेके जुलाई अगस्त सितंबर तक आप लगा सकते हैं, और ये आराम से लगाते रहिए और काटते रहिए। 55 दिन होगा तो वो फलना स्टार्ट कर देगा। और मिट्टी की बात करें, देखा जाता है जो इसके लिए आप मिट्टी तैयार करने के लीजिए, और मिट्टी बहुत अच्छा तैयार कीजिए और उसमें लगाइए तो बहुत अच्छा होगा। और मिट्टी तैयार करने के लिए आपको 1 टेलर आपको गोबर की खाद 1 एकड़ के लिए आपको ज़रूर होगा, लेकिन अगर 1 टेलर आप मुर्गी का खाद दे दीजिएगा तो आपको सारा माइक्रोन्यूट्रेंट और सारा चीज़ हो जाएगा, उससे ज़्यादा होता है। कुछ आदमी मतलब टॉयलेट भी यूज करते हैं, वो अपना रहता है सिस्टम, काहे कि ऐसा भी देखा जाता है नगर निगम से खरीद के ले आते हैं, मतलब वो ड्राम नगर निगम कहाँ फेंके, तो किसान आजकल वो भी यूज करने लगे हैं। अपना जो हो वो आप कर लीजिए और आपके क्षेत्र में जैसा चल रहा होगा, और वो उस पर ज़्यादा होता है। और ये तीनों में से आपको जो मिले वो कीजिए, आप अपना तरह से कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम से कम लोग खर्चा बचाना चाहते हैं। और उसके बाद आप उसमें मिलाइए 60 किलो अगर मुर्गी का खाद और टॉयलेट है तो कोई बात नहीं है, और दूसरा खाद तो मिलाने की ज़रूरत तो होती नहीं है। लेकिन गोबर के खाद में 60 केजी आपको यूरिया, आपको 40 केजी DAP और 30 केजी आपको पोटाश, इसका आधा भाग आपको डाल देना है तभी ही खेत की जुताई के समय। और रोटावेटर से अच्छी तरह से जुताई कर दीजिए ऊपर से नीचे, मतलब तो 4-5 बार जुताई कीजिए, और आधा भाग आप रख लीजिए घर में, वो आप एक उसका आधा भाग 30 दिन बाद दीजिएगा पानी पटाने के समय, और उसका आधा भाग जो होता है 55 दिन पे दे दीजिएगा या 50 दिन पे। ऐसे ये होगा जो दोनों मिला के मतलब आपका प्लांट ग्रोथ आएगा और फूल फल देगा। और फूल फल लेने के लिए बहुत सारा आता है, एक माइक्रोन्यूट्रेंट रख लें और एक आपको रख लेना होगा PGR, मतलब PGR नहीं रख सकते हैं, एक कीटनाशक रखिए और एक फंगिसाइड रखिए, और तीनों को मिला के स्प्रे कीजिएगा, उसी से आपका खूब अच्छा होता है। मीराकुला रोगर बैगन के लिए बहुत अच्छा होता है, पहले से ये दवा है, और भी तरह का कंपनी है, जो कंपनी का आपका अच्छा लगे साफ मतलब फंगिसाइड में आप कोई कंपनी लीजिए, कभी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कभी कोई लीजिए, कभी कोई लीजिए, मतलब उसका टेक्निकल चेंज करते रहिए। और माइक्रो न्यूट्रेंट में आप जो लीजिए लीजिए वो ले लीजिए, और उसके बाद आप पहले अगर 1 केजी माइक्रो न्यूट्रेंट 1 एकड़ में या 5 केजी आप डाल दीजिए, और सीवीड फर्टिलाइजर जो आता है वो भी 5 केजी डाल दीजिए पहले जुताई के समय ही, जिससे ये होगा कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट का कमी नहीं होगा और सारा चीज़ आपका अवेलेबल होगा। और अच्छा तरह से इसमें BNR या सिंजेंटा या नामधारी कोई भी कंपनी का कोई अच्छा बीज आप चुनाव करके उसे डाल दीजिए, और उसका प्लांट अगर मिल जाए तो अभी तो बहुत अच्छा है, और उसका ही लगा दीजिए। ऐसे प्लांट तैयार करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, इसलिए पहले प्लांट तैयार कर ले, उसके बाद खेत की तैयारी करें। और इसमें तो आपको
शाम के समय लगाना होगा, और स्प्रे भी सुबह शाम ही करना होगा क्योंकि दिन में तो कीजिएगा तो जल जाने का खतरा रहता है। मैं एक गुलाब में ही कर दिया तो उतना ज़्यादा मेरा असर पड़ गया है, जो बहुत ज़्यादा वो अभी तक मतलब ग्रोथ में नहीं आ रहा है। और पानी देते रहिए, पानी आपको सप्ताह में लगेगा। निराई गुड़ाई करना होगा और क्यारी के ऊपर लगाना होगा प्लांट। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब।